ओम शांति। मुरली तारीख 16 मार्च 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न। अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर। शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हों। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पद्मपति हैं। स्लोगन। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।